हम जा रहे हैं वेनिस। आज है थर्सडे और हमारी छुट्टी है। ज्यादा लोग हैं भी नहीं, सब इंजॉय कर रहे हैं छुट्टी का। बाकी ये व्लॉग देखो कैसा होने वाला है। चार दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगी। Hey guys, so we are at the airport और हम कुछ खा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी थी अर्जुन को। हम ऑर्डर किया लज़ानिया सैलेड और ये सैंडविच। और आप देख सकते हो बिल्कुल ये एयरपोर्ट पर है, हमें प्लेन्स भी दिख रहे हैं। बाहर ही बैठते हैं क्योंकि ऐसा व्यू मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पास में ही एरोप्लेन देख के आप लंच कर रहे हो। बस मुझे खाते हुए और प्लेन को उड़ते हुए देख रही हूँ। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली। बजे हैं ऑलमोस्ट 2:45। यही होता है सस्ती फ्लाइट के चक्कर में, एक बैग लेके जाओ और सिर्फ एक ही बैग अलाउड होता है और वेट करते रहो लाइन में। देखो कितने सारे प्लेन्स हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा रायन एयर जिंदाबाद। इसका कोई ईयरली पास नहीं होता अर्जुन? हमें भी वो लेना चाहिए है ना, एयरली पास हो, जब मन करा उठ के चले गए। वही वही। तो अब बस से उतर गए हैं ACTO से और ये थी बस। और अब हम लेंगे एक सिटी पास जिससे पहुंचेंगे अपने होटल में। बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वेपरा तो आपको दिखाऊंगी कैसी होती है यहाँ पे सिटी ट्रांसपोर्ट, सिटी बस और वाटर बस। सो लेट्स गो। बैठेंगे और रेस्टोरेंट में एंजॉय करेंगे। अभी हमें बस अपने होटल पहुंचना है जल्द से जल्द। We are at San Marco Square and अब हमें जाना है अपने होटल जो कि यहाँ से अर्जुन बोल रहा है 4 minutes walk पर है। Almost 8:00 हो चुके हैं and look at this beautiful San Marco Square। और अब Venice is like love। यहाँ पे जब मैंने एक movie देखी थी तब से मुझे इससे प्यार हो गया। और इसके बाद रणबीर और दीपिका का वो song खुदा जाने। Awesome. I love Venice. I love him. I love her. चलो Venice घूमेंगे। हम निकल गए हैं तैयार होके होटल से। होटल बहुत छोटा सा था। यहाँ पे बहुत महंगे प्राइसेस हैं। तुझे पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं अर्जुन? या ऐसे ही लेके जा रहे हैं, पर मज़ा आ रहा है इन गलियों में घूमने में भी ना। लोग दिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। शॉप्स खुली हुई हैं स्पेशली 9 बजे जो कि जर्मनी में नहीं होती। तो अच्छा लग रहा है, लोग वाइन एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्लासेस बहुत दिखेंगे। हाँ क्लॉक 195 24 कैरेट है, ये गोल्ड प्लेट है। सही है। अर्जुन मुझे शॉपिंग करवाएगा। मेरा बर्थडे आ रहा है 12 को और आज हो रही है 8 तारीख। तो मुझे करवाओ भाई शॉपिंग वॉपिंग, इसीलिए तो तुम्हें लेके आई हूँ ताकि यहाँ के शॉपिंग के लिए आई हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे तो हम बैठे यहाँ पे। हमने खाया पिज्जा स्लाइस और मजा लिया व्यू का। आज हम किसी भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं बिकॉज कि मुझे नहीं जाना था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ। तो अर्जुन का मूड थोड़ा वैसा हो गया। बट पिज्जा स्लाइस खाया, थोड़ा सा व्यू देखा, लोगों को देखा, वाटर टैक्सी देखी जो यहाँ से जा रही हैं, एक्सपेंसिव वाटर टैक्सी। और अब थोड़ा और खाएंगे। हमने इंजॉय किया। अब क्या खाने जाएंगे अर्जुन? आई गेस पास्ता। चलो पास्ता खाएंगे। चलो जल्दी जल्दी, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। वो बिजली कड़की। चलो चलो चलो, पास्ता पिज्जा मामा मिया। सो गाइस दिस इज रियाल्टो ब्रिज एट नाइट। सुबह भी बहुत सुंदर लगता है और रात को भी। आप देखो गोंडोलास जा रहे हैं, बपरातो चल रही है और पूरी सिटी नाइट भी 10:00 हो रहे हैं ऑलमोस्ट और जगी हुई है।
बहुत मस्त है, रोमांटिक प्लेस है, तो अगर आप आना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ तो जरूर आना. इट इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड राइट. और इंजॉय करो. मॉर्निंग. सो मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ. अभी बजे हैं 8:30 और मैं पहुँच गई हूँ ब्रिज ऑफ साय पे. तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है ब्रिज ऑफ साय, जो कि मैं बताऊँगी इसकी हिस्ट्री जब हम जाएंगे अंदर इस डोजी पैलेस में, जिसमें यहाँ पे प्रिजनर्स को पैलेस से प्रिजन में लेके जाया जाता था. और वो लास्ट ग्लिम्प्स जो उनको वेनिस की मिलती थी, वो इस ब्रिज से मिलती थी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ साय. तो सुबह सुबह 8:30 बजे अगर आप आओगे तो आप आराम से फ़ोटोज़ खींच सकते हो. तो सुबह उठो, जल्दी सो जाओ और ले चलो अपने फोटोग्राफर को अपने साथ, है ना. तो चलो चलते हैं, आज हम मैचिंग पहन रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं. आई होप अच्छे लग रहे हैं. प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक. और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ डोजी पैलेस, रियाल्टो ब्रिज. अभी हम रियाल्टो ब्रिज जा रहे हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी फोटोज़ लेनी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिजी एरिया है. तो लेट्स सी हाउ वी डू इट. तो ये है रियाल्टो ब्रिज, जिस पे सब लोग फोटोज़ खींचने आते हैं. भीड़ दिखा रहा हूँ, और अभी बिजी नहीं है, वरना ये पूरा एरिया भरा रहता है, इसलिए सुबह आना चाहिए. तो हमने फोटोज खींच ली, हमें थोड़ा स्पॉट मिल गया. हाँ, और ये है ग्रैंड कैनाल, जहाँ पे ग्रेट नहीं है, ग्रैंड कैनाल है, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है. आप देख सकते हो मेरे पीछे काफी लोग हैं. तो भी बहुत कम है बट बहुत मस्त है ये. और यहाँ पे सुबह सुबह आओ तो अच्छी फोटोज खींच जाएंगी. और अब मैं रियाल्टो ब्रिज है, जिसकी अभी मैं नीचे जाके रिकॉर्डिंग करूँगी और फोटोज खिंचवाऊंगी. हमने बहुत सारी फोटोज खींची, मजा आया. और हाँ, सुबह सुबह आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये पूरा ब्रिज फुल रहता है, फुल अभी से ही फुल होने लग गया है. तो ये रियाल्टो ब्रिज है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज है जो कनेक्ट कर रहा है इन दो लगूम्स को. तो ये रियाल्टो ब्रिज इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और मार्बल से बना हुआ है. बाकी सारे ब्रिजेस अलग अलग हैं, यूनिक हैं, कुछ वुडन से बने हैं, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जो कि आप देख सकते हो अंदर इसके शॉप्स हैं, बहुत सुंदर है. तो यहाँ आना तो बनता ही है. देखा, कमाई तो इनकी है, इंजीनियरिंग तो हमने फालतू में करी है. 100 euros पर 30 minutes, समझ रहा है तू? और क्या, गोंडोला शुरू हो जाए, ये देख पहन के मस्त. तो ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट स्पॉट हमने ढूंढ लिया है एकदम रियाल्टो ब्रिज के नीचे. और ये देखो, ये खा रहा है क्रोसॉ और कॉफ़ी. यहाँ पे इटली में आपको क्रोसॉ और कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा. यहाँ पे मोस्टली एस्प्रेसो और कैपेचिनो ही चलती है कॉफ़ी में. बट लुक एट दिस व्यू, मैं व्यू इन्जॉय नहीं कर रही हूँ, बट आप इन्जॉय कर सकते हो मुझे देखते हुए. बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खींची है अर्जुन ने. और बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं. वेकेशन तो इसी के लिए होता है, बाकी इंजॉय करते हैं व्यू मेरे हनी के साथ. मेरे हनी के साथ को अच्छा व्यू है. तेरे को अच्छा व्यू है? हाँ, सोने पे सुहागा है तेरे लिए. रियाल्टो ब्रिज और ये पूरी ग्रैंड कैनाल इज वेरी ब्यूटीफुल. दोबारा तो पे हम इंजॉय कर रहे हैं ये राइड, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो ट्राई करना आगे बैठो, ताकि आप इस व्यू का, पूरे ग्रैंड कैनाल का मज़ा ले सकें. ये है सेंट मार्क बेसिलिका, और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है.
ये पूरा सेंट मार्क स्क्वायर है, मतलब भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। बेल टावर, इसके ऊपर हम नहीं जाने वाले हैं, मैंने इसका व्यू देखा है। हम जाएंगे डोजी पैलेस, वो बहुत ही सुंदर है अंदर से, तो इसलिए हमने वो चूज करा है। वैसे जा सकते हैं इसके ऊपर भी, पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी लाइन बहुत ज्यादा है। हाँ फिर चलेंगे, मेरे ख्याल से फ्री में होगा इसलिए क्या, क्योंकि बेसिलिका तो फ्री होता है, पर शायद फ्री नहीं है। कल ट्राई करेंगे, सुबह ट्राई करेंगे कल। तो वेनिस आए, इटली आए, और जिलातो नहीं खाई तो क्या खाया, तो यहीं पे ही सेंट मार्क स्क्वायर में हमने ली है जिलातो। अभी हम टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1:30 बजे का है टाइम। ये खा रहा है मैंगो जिलातो, मैं खा रही हूँ पिस्टाशियो जिलातो। इज मस्ट ट्राई इन इटली, बहुत टेस्टी आइसक्रीम होती है इनकी, है ना। तो ये है 2.5 यूरो पर स्कूप। और फिर गए हम डोजी पैलेस के अंदर, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी थी तो हमें किसी भी लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये अंदर से उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि ये बाहर से है। आप देख सकते हो कि कैसे इसके अंदर पेंटिंग्स और ये गोल्ड प्लेटेड नक्काशी और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी गई हैं मार्बल, और बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर से। तो अगर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो इसके अंदर ज़रूर करना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेपन्स थे जो कि मैंने ऐसे वेपन्स कभी देखे भी नहीं थे, और हिस्ट्री है वेनिस की। तो आप ज़रूर टाइम मिले तो डोजी पैलेस में जाना। और यहाँ पे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल पेंटिंग देखी जिसका नाम है पैराडीसो, मींस पैराडाइज। तो ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है यहाँ के एंसेस्टर्स को उस टाइम में, कि अगर आप यहाँ का डोजी जो है सही डिसीजन लेता है तो वो हेवन में जाएगा इन सारे डोजीज के साथ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हॉलवे था, कोर्ट था। और फिर हम गए यहाँ की प्रिजन में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था ब्रिज ऑफ साई से होती हुई जाती है, जो कि आप देख सकते हो पैलेस और प्रिजन कनेक्टेड हैं। और लास्ट ग्लिम्स जो वेनिस की मिलती थी एक प्रिजनर को, वो इस ब्रिज से मिलती थी। और यहाँ पे इवन एक फेमस कैसेनोवा करके, अगर आपको बताओ कि फेमस कैसेनोवा यहाँ पे इस प्रिजन में रह चुका है और यहाँ से भाग भी चुका है, पता नहीं इतनी मोटी मोटी रेलिंग्स को उसने कैसे तोड़ के या कैसे भागा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी का भागना पॉसिबल होगा उस टाइम पे। इतने मोटे मोटे हैं देख, झरोके कोई निकल भी नहीं सकता, so it's a very beautiful street if you are someone who wants to shop and can of course ज़्यादा पैसे हैं तो यहाँ ज़रूर आना, Gucci, Prada, Louis Vuitton। तो यहाँ पे Louis Vuitton, Gucci, Prada सारे ब्रांड्स हैं जो एक लड़की के फेवरेट हो सकते हैं। कैसा लग रहा है? थैंक यू, यू टू, बाय बाय। चलो बिल और वो सब है ना, अब आया मजा। शॉपिंग हो गई, और ये है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:00। दोनों तैयार होके निकल गए हैं और दोनों मैच कर रहे हैं, वाइट ड्रेस क्यूट सी, बाय द वे मैंने इंडिया से ली है, बहुत सुंदर है। और अर्जुन भी बहुत ट्यूनिंग कर रहा है मेरे साथ। और अब हम जा रहे हैं सेंट मार्को, क्योंकि कल फोटोज़ नहीं हो पाई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको। आज होपफुली हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचेंगे और थोड़ी रील्स बनाएंगे और मज़ा आएगा, मस्त बटेगा। गोल्डिनी से हमने बुटीक से शॉपिंग करी, मज़ा आया। अर्जुन मज़ा आया नहीं, अर्जुन के पैसे खर्च हुए पर मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी ड्रेस मिल गई है ना, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। मे बी मैं बर्थडे पे पहनूँ, मे बी देखते हैं देखते हैं, मे बी मैं बर्थडे पे पहनूँ बर्थडे पे या तो
या फिर नेक्स्ट वेकेशन पे। ऐसे नेक्स्ट वेकेशन पे हम कहाँ जा रहे हैं ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल हनीमून होने वाला है, तो आई वुड लव टू हेयर योर सजेशंस कि कहाँ जाना चाहिए। बाकी टिकट्स तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है होटल्स भी, सो टूर करनी है। और यहाँ पे ब्रिजेस हैं हर जगह, देखना पड़ेगा। अकाउंट पे बताऊंगी आपको कितने ब्रिजेस हैं नीचे लिख के, कि थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग बस इंजॉय कर रहे हैं शाम की ड्रिंक्स और गोंडोला राइड और टैक्सी राइड और बहुत कुछ। तो अभी शाम के हो रहे हैं 5 और हम भी निकले हैं। हाँ, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, और आज हम भी गोंडोला राइड करने वाले हैं पर आफ्टर 7 है ना, मोस्ट प्रोबेबली 8:30 कह रहा हूँ। बट ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। तो फाइनली हम गोंडोला में बैठ गए हैं और आगे चल पड़े, आगे दिखाते हैं। गोप्रो थोड़ी है, ये फाइनली इट वॉज रेनिंग एंड फाइनली स्टॉप्ड रेनिंग। लाइक आई टोल्ड यू इट्स 7:45 एंड या इट फाइनली स्टॉप्ड रेनिंग आफ्टर 1 hour एंड थैंक गॉड, अदरवाइज ही वुड बी सो एंग्री विद मी। दिस इज आवर लास्ट डे एंड वी कुडंट डू इट, सो या हैप्पी विद आवर वंडरफुल। बाय बाय। अभी तो बारिश हो रही है, मस्त फुल बारिश है, मजा आ रहा है। रोमांटिक और इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या सकता है। आप वेनिस में हो, गोंडोला राइड कर रहे हो और बारिश हो रही है, और कौन सा गाना सबसे रोमांटिक लगता है बारिश में? वो एक था ना, कौन सा? नहीं मैं वो, मुझे वो वाला अच्छा लगता है, कभी जो बादल बरसे और मस्त एंजॉय कर रहे हो वेनिस में। ये तो है। तो गाइस दिस वाज इट वेनिस फॉर यू। गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट व्हिच पार्ट ऑफ वेनिस डिड यू लाइक द मोस्ट। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्यादा वेनिस में क्या क्या करना है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मेन चीजें हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल वीडियो देखनी है तो वो मैं यहाँ या यहाँ पर लिंक कर दूंगी, तो वो जरूर देखना। एंड टेक केयर, बाय।